Assalamualaikum friends, आज हाजरा कुक शो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेके आया है। रमज़ान के महीने में फ्राई आइटम तो आपने बहुत ही खाते होंगे, लेकिन आज हाजरा कुक शो आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया है जो रमज़ान के महीने में भी आप इसे मज़े से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को माशाल्लाह के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस रेसिपी का नाम है क्रीमी व्हाइट स्पैगेटी। कुछ इंग्रेडिएंट के साथ जैसे कि 1/2 टीस्पून ऑरिगानो सीजनिंग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 3 टेबलस्पून के बराबर बटर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम चीज़, पार्सले या कोरिएंडर लीव्स कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप के बराबर मिल्क, 3 टेबलस्पून के बराबर बोनलेस चिकन चंक्स, 2 टेबलस्पून के बराबर कैप्सिकम चॉप और मैदा अपने 1 टेबलस्पून के बराबर। सबसे पहले तो आपने एक कढ़ाई में बटर को मेल्ट करना है, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो मैदे को आपने अच्छे से बटर के साथ भूनना है ताकि इसका कच्चापन है जो दूर हो जाए। और ये देखिए हल्का सा लूज हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिल्क। आपने इसकी कुटियों को अच्छे से तोड़ना है और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा क्रीमी सॉस बन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। इसके साथ हम डालेंगे चिकन के चंक्स। आपने पानी का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे चिकन का जो पानी है वो ऑलरेडी देखिए आप थोड़ा सा छूटा है, तो आपने इसको ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है जैसे कि यूँ है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स। बस आपने इसे अच्छे से भूनना है। इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ग्रीन चिल्ली नहीं दिखाई थी, तो ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं। और हमारे स्पैगेटी जो हमारी रेसिपी की जान है वो है क्रीम चीज़, जिसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर कोई वजह से आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे अवॉइड कर दीजिए, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, पार्सले या कोरिएंडर, आप उन सा भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है, पकाना है। ये ऑलरेडी चिकन भी पक चुकी है। मैंने यहाँ पे स्पैगेटी लिया है 1 कप के बराबर, जो मैंने हल्का सा नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया था। और बस आपने इसे सॉस के साथ अच्छे से पकाना है। सॉस हमारा थोड़ा सा रनी होना चाहिए ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा क्रीमी व्हाइट स्पैगेटी बनके तैयार हो चुका है। बस अब हम इसे खूबसूरत से डिश में इसे डिश आउट करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल हाजरा कुक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।